मेरा नाम पृथा है, मैं कनकौली से आई। यहाँ पर सबको जरूर आना चाहिए, मन एकदम शांत हो जाता है अगर आप बहुत टेंशन में हो। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं भाई, विजिटर्स के लिए जो टाइम है अप्रैल सितंबर में 8 बजे से सुबह शाम के 6 बजे तक, और अक्टूबर टू मार्च 8 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये है इंग्लिश में, और मैं अभी हिंदी में दिखाने वाला हूँ आपको। ये आप हिंदी में देख सकते हो भाई, यहाँ पर पढ़ सकते हो आप। इनका 8 से 6 का और 8 से 5 का टाइम है। तो भाई यहाँ पर हमने एंट्री ले चुकी हैं, और अब हम थोड़ा चेक इन करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेकिंग देख सकते हैं, चेकिंग गेट लगा हुआ है, और इधर बैग की चेकिंग चल रही है, मतलब खाना पीना अलाउ नहीं है यहाँ पर अंदर, इस वजह से यहाँ पर चेकिंग हो रही है। तो भाई हम अंदर एंट्री कर चुके हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई कितनी भीड़ हो रही है। हालांकि लगभग 4 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर धूप में इतनी भीड़ हो रही है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतने लोग होंगे कि जो यहाँ पर मतलब घूमने के लिए आए होंगे, लोटस टेम्पल में विज़िट के लिए आए होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पर इंडिया से तो आते ही आते हैं, लेकिन यहाँ से इंटरनेशनल भी यहाँ पर लोग आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कितनी खूबसूरती है यहाँ पर, कितना ग्रीनरी ये यहाँ पर स्पेस है ज़्यादा यहाँ पर। तो भाई ये है इंफॉर्मेशन सेंटर, ये आप देख सकते हैं अंदर काफ़ी मतलब इस तरह का इसमें म्यूज़ियम टाइप का इन्होंने बना रखा है। तो अभी यहाँ से बंद है, अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आप यहाँ पर ग्रीनरी देख सकते हो भाई, यहाँ पर कितना हरा भरा फूल फुलियारी। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, ये है हमारा पूरा लोटस टेम्पल, आप देख सकते हैं भाई। अभी हम अंदर भी जाने वाले हैं, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, बहुत लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सेल्फी में मतलब लोग एंजॉय ले रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, यहाँ की जो पौधों की जो कटिंग है वो चल रही है इधर, और कुछ लोग यहाँ पर सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। और अंदर का हम आपको नज़ारा दिखाने वाले हैं भाई, कैसा है अंदर का नज़ारा, और काफ़ी लोगों से हम यहाँ पर बात भी करेंगे कि उनको यहाँ पर आके कैसा लगा। और जैसा अंदर बहुत पीसफुल मतलब बहुत साइलेंटली अंदर बैठना पड़ता है, अंदर कोई किसी तरह का कोई साउंड नहीं होता, ना करते कोई साउंड वगैरह, तो हम अंदर भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे भाई, उनको यहाँ पर आकर के कैसा लगा। खासतौर से मैंने यहाँ पर नोटिस किया है एक चीज़, और यहाँ पर मतलब सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। प्रॉपर यहाँ पर जो पौधों की जो कटिंग है, जो यहाँ पर जो आप घास देख सकते हैं उसकी प्रॉपर कटिंग यहाँ पर मैंने देखा है, हमेशा जितनी बार मैं यहाँ पर आया हूँ मतलब कटिंग वगैरह यहाँ पर चलती रहती है, तो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं भाई कितनी अच्छे से इसको फुलवारी को यहाँ पर कितनी ग्रीनरी यहाँ पर है, एक बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पर आकर के। और मैं तो काफ़ी बार यहाँ पर आ चुका हूँ, और एक बार भाई मैं आपको बता दूँ, ये भी बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट्स है, अगर मैं दिल्ली के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें से अगर लोटस टेम्पल का नाम आए तो ये बहुत अच्छा एक मॉन्यूमेंट्स है, काफ़ी अच्छा है। मैं आपको बता दूँ, जैसा वैसे तो काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस हैं दिल्ली के अंदर जिनको लगभग 200 साल 300 साल हो गया, लेकिन जो ये लोटस टेम्पल है ये हाल ही का बना हुआ है, मतलब इसको 200 साल 300 साल नहीं हुए हैं, इसको लगभग 1980 में इसको शायद इसको बना गया था। तो भाई यहाँ पर हमने शूज़ रख चुके हैं अपने पॉकेट में, और इनको अभी हमें जमा करवाना है पहले, और उसके बाद जमा तो यहाँ पर नीचे ही हो जाएंगे, उसके बाद हम फिर ऊपर जाएंगे। आप देख सकते हैं भाई कितनी गर्मी हो रही है यार, और बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर इस वक्त 45 डिग्री प्लस टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पर,
और हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट लोटस टेंपल के पास, और अब हम अंदर भी जाने वाले हैं, ऊपर भी जाने वाले हैं भाई। बहुत बड़ा लग रहा है, काफ़ी दूर से बहुत छोटा सा लग रहा था, लेकिन अभी बहुत बड़ा दिख रहा है। जैसे जैसे हम इसके करीब जा रहे हैं बहुत बड़ा दिख रहा है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई कितनी भीड़ हो रखी है। तो भाई यहाँ पर अंदर जाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको अंदर जाना है, अंदर का इंटीरियर देखना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं भाई यहाँ से कितना बड़ा है यार, ये ऊपर तक आ रहा है भाई। बाकी हम इसका एक मास्टर शॉट भी आपको दिखाएंगे कि पूरा कैसा दिखता है ये। बाकी आप देख सकते हैं लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने के लिए यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है, और आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं होगी जैसा इतनी गर्मी हो रही है दिल्ली में, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी लोग विज़िट के लिए आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ यहाँ का कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं भाई ये पूरा इन्होंने कुछ वाटर का अंदर बैठ के काफ़ी शांत फील हुआ, बहुत पीसफुल था, बहुत साइलेंट था, मतलब एक अलग ही फील आ रहा था मतलब अंदर बैठ के, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर साइलेंट थे, कोई भी मतलब अंदर बोल नहीं सकता था, वो अलाउ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर फ़ोटो खींचना भी अलाउ नहीं है। तो गाइज़ इधर आके हमें बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा फील हुआ यहाँ पर, काफ़ी हमने लोगों से यहाँ पर बात भी करी है, तो उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोटस टेम्पल, ये मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पीसफुल है, अंदर रह करके बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी ये हमारा मॉन्यूमेंट्स है बहुत अच्छा, और इसको हम कमल मंदिर भी कहा जाता है इसको, मैं आपको बता दूँ कमल मंदिर के नाम से भी ये जाना जाता है, क्योंकि जो इसकी शेप है वो बिल्कुल एक कमल की तरह ही है। अगर मैं आपको इसका मास्टर शॉट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मास्टर शॉट में कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये पूरा एक कमल मंदिर कहा जाता है इसको। नहीं, बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है। कहाँ से हैं सर आप? हैदराबाद से है सर। यहाँ पर आते थे तो ये पहली बार आए हैं? नहीं, ये तीसरी बार। तो कैसा लगता है सर आपको अंदर अंदर बैठ करके, कैसा लगा? बहुत फिर माइंड पीसफुल हो जाता है। तो भाई यहाँ पर नीचे भी इन्होंने कुछ बनाया हुआ है, तो हम ऑडियो से नीचे चले जाते हैं और देखते हैं भाई नीचे का कैसा इन्वायरमेंट है। ओ वाओ, कितनी गर्मी हो रही है भाई यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर आप सिक्के देख सकते हो भाई, कितने सिक्के पड़े हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, ये लोगों ने यहाँ पर सिक्के फेंके हुए हैं, इसमें एक का भी है, दो का भी है, दस का भी है। ये मैंने पहली बार यहाँ पर आज एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ये असल में ये विश है, लोगों की विश होती है वो, जैसा मैंने बहुत लोगों को देखा है ट्रेन में से भी फेंक देते हैं कुछ लोग बाहर, अगर जो कुछ नहर टाइप किया जाती है या पुल आ जाता है, इस तरह कोई ब्रिज आ जाता है तो वो फेंक देते हैं यहाँ पर। लेकिन ये बहुत अच्छा मेरे को लगता है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सिक्के फेंके हुए हैं, आप देख सकते हैं भाई इस साइड में भी हैं। ये पूरा नीचे का इंटीरियर है इनका, और इस साइड में भी लोगों ने सिक्के फेंके हुए हैं, आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, आपको चमक रहे होंगे अलग ही। और ये बहुत अच्छा मतलब यहाँ का नीचे का जो इंटीरियर इसका जो बना हुआ है वो बहुत अल्टीमेट है यार, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत है, बहुत पीसफुल है यहाँ पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई नीचे की ओर सब लोग बैठे हैं आराम से, और इसके ऊपर जहाँ पर हम अभी बैठे थे ये उसका ही नीचे का फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर मैं कह सकता हूँ उसको। यहाँ पर भी लोग फ़ोटो ले रखे हैं, और यहाँ पर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, कब से ये बना था, कब बना था, किसके द्वारा बनाया गया था इसको, वो यहाँ पर लिखी हुई है। और अभी मैं यहाँ पर भी एक दो लोगों से बात कर लेता हूँ भाई कि उनको यहाँ पर आकर के कैसा लगा। तो गाइज़ यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, जो लाइन है, ईश्वर की एकता, धर्म की एकता, मानव जाति की एकता। Thank you.
तो भाई अंदर लोटस टेम्पल में घूम के काफ़ी अच्छा फील हुआ, और अब हम चल रहे हैं बाहर क्योंकि काफ़ी जगह पर अलाउ नहीं था जाना, क्योंकि कोरोना की वजह से यहाँ पर कुछ यहाँ पर अलाउ नहीं किया हुआ था उन्होंने, तो इस वजह से हमने सिर्फ लोटस टेम्पल ही विज़िट किया, अंदर से थोड़ा सा विज़िट किया और कुछ लोगों से हमने बात की। तो मतलब अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का हमारा आज, और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई लगातार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई किस तरह से इसको घास वगैरह लगाई हुई है यहाँ पर हरी, और उसको प्रॉपर मेंटेन भी किया जाता है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर हमेशा देखा है कि प्रॉपर जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है उसको कटिंग कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप फुलवारी देख सकते हैं भाई नीचे। वाह भाई बहुत अल्टीमेट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इन सब चीज़ों का, जिस तरह से एक माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, इस तरह से माली का जो माली होता है उनका वो सब इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अच्छे से प्रॉपर पानी देना, प्रॉपर दवाई डालना इनमें टाइम पे, इसको पूरा मेंटेन करके रखना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कहीं ना कहीं। तो भाई अब हमने काफ़ी विज़िट कर लिया और अब हम निकल रहे हैं बाहर, काफ़ी अच्छा लगा लोटस टेम्पल में घूम के, बहुत अच्छा मोन्यूमेंट्स है ये भी, और यहाँ पर भी मतलब विज़िट करना चाहिए लोगों को अगर मतलब पीसफुल साइलेंटली यहाँ पर लोग बैठते हैं अंदर जा कर के, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है, और इनका जो मैसेज है वो यही है कि जो सब धर्म को मतलब एक साथ लेके चलना है, सब धर्म यहाँ पर प्रे कर सकते हैं अपनी, यही मैसेज है इनका, और हमें ये बात इनकी बहुत अच्छी लगी भाई। यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई एक धर्म के लोग आते हैं, यहाँ पर सभी धर्म के लोग आकर के यहाँ पर बैठते हैं आराम से, सभी धर्म के लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ये इनका पूरा आप रेड टाउन में देख सकते हैं पूरा इनका ग्रुप है, ये आया हुआ कहीं से मतलब प्रॉपर जैसे ग्रुप में आते हैं तो लोग यहाँ पर ग्रुप में लोग विज़िट करते हैं, इनके टीचर होते हैं और उसके बाद यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं भाई पूरा ग्रुप है रेड है, जो कि मैंने भी रेड पहना हुआ है, आप देख सकते हैं भाई मैंने भी रेडी पहना हुआ है और इन्होंने भी सब लोगों ने रेडी पहना हुआ है, तो मैं भी कहीं ना कहीं इनकी टीम में ही शामिल हो गया आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ इन लोगों से बात करें कि उनको यहाँ पर आके कैसा लगा, वो हम एक बार बात कर लेते हैं। एक्चुअली हाँ मेरा नाम गौतम पटेल है। तो आप कहाँ से हैं सर? एक्चुअली हम बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर से, तो हम ट्रैवल एजेंट हैं, तो अपना ग्रुप रहता है, हम मनाली समर कैंप करवाते हैं लड़कों को, ऑल इंडिया से रहते हैं, उसमें लड़कियाँ लड़कियाँ रहते हैं, तो उसमें 25 ईयर्स तक सब रहते हैं, तो हम एडवेंचर करवाते हैं, समर में जाते हैं मनाली में तो स्नो में वगैरह हम रहते हैं, तो वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं उनको, ट्रैकिंग वगैरह होगी, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग, जिप लाइन, जॉर्बिंग वगैरह, यस बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह रहती है, इस हिसाब से अपना काम है। प्रॉपर हम वर्ल्ड वाइज अपना टूरिज़म का बिजनेस करते हैं, उसमें पासपोर्ट वीज़ा फॉरेक्स हो या फिर अपने फ्लाइट टिकट्स हो, रेलवे बुकिंग हो, बस बुकिंग हो, सब कुछ हम करवाते हैं। बहुत मज़ा आया यहाँ पर, सबको जरूर आना चाहिए, मन एकदम शांत हो जाता है, अगर आप बहुत टेंशन में हो तो यहाँ पर एक बार आके यहाँ पर बैठ जाओ और थोड़े मिनट के लिए मेडिटेशन कर लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा नाम प्रुथा है, मैं कनकवली से आई, बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा लगा। हर्षिता पटेल, बहुत अच्छा लगा, पीसफुल था अंदर, पर किसी ने तो फाट किया था तो थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, पर बहुत मज़ा आया सीरियसली, और एक बार ज़रूर आएंगे। थैंक यू। तो भाई यहाँ पर हमने बहुत लोगों से बात करी है और यहाँ पर टीम में भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं रेड टी शर्ट्स में, और इधर हमारा पूरा लोटस टेम्पल है आप देख सकते हैं, और ये लोग यहाँ पर धीरे धीरे आगे से निकल रहे हैं बाहर की ओर, और हमें यहाँ पर इन लोगों से जो ग्रुप में आए थे उन लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों ने अच्छी बाइट्स दी हैं, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो अब हम चलते हैं सीधा बाहर, और बाहर अब हमारा फूड ब्लॉगिंग है, तो थोड़ा सा फूड का भी दिखाते हैं कि भाई खाने की यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों खाने की मार्केट शुरू होती है यहाँ से, यहाँ पर नींबू पानी मिल जाता है भाई, क्योंकि धूप इतनी हो रही है तो लोग नींबू पानी पीते हैं, वो बहुत मतलब हेल्थफुल होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई इधर आके नारियल पानी लोग पी रहे हैं, और इधर मौसमी वगैरह हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कुछ पानी की दुकानें हैं, और यहाँ पर मतलब स्नैक्स वगैरह यहाँ पर मिल सकते हैं, और अगर मैं आके की दिखाऊँ आपको, यहाँ पर देखो कुछ ज्वेलरीज़ वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर नारियल पानी आप पी सकते हैं, और भी यहाँ पर मतलब ज़्यादा स्नैक्स वगैरह की दुकान हैं, नारियल पानी यहाँ पर हैं, और ये आप देख सकते हैं भाई कुछ ज्वेलरीज़ यहाँ पर हैं, चश्मे वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद ये मौसमी पानी है, और आगे भी पानी है आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर इनकी पूरी टीम है, ये इस वक्त यहाँ पर पानी पी रही है, क्योंकि भाई गर्मी इतनी बहुत इतनी है कि भाई पानी का पता नहीं चलता भाई हमने कितना पानी पी लिया। बाकी यहाँ कुछ पाइनएप्पल्स वो वाटरमेलन है जो लोग यहाँ पर काटे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं भाई, वाओ अल्टीमेट।
और ये आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर पूरा स्ट्रीट फूड्स है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ चाइनीज़ रॉयल स्टेज्स वगैरह मतलब चाइनीज़ फूड वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और मैंगो शेक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इस साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी ठेले वगैरह लगे हुए हैं जिन पर चाट भल्ले वगैरह मतलब एक प्रॉपर खाना भी आपको यहाँ पर मिल सकता है, और आपको यहाँ पर चाइनीज़ आइटम्स भी मिल सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके और काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस लिया यहाँ पर आकर के। एक बार तो आना चाहिए भाई ज़रूर यहाँ पर लोटस टेम्पल, एक बार तो विज़िट करना चाहिए। तो भाई ओवरऑल मेरे को यहाँ पर जहाँ का जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर लोटस टेम्पल में घूम के, और काफ़ी अच्छा मेरे को पीसफुल नज़र आया है अंदर से। और यहाँ पर कोई भी लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई एक ही कम्युनिटी के आएंगे, यहाँ पर सभी कम्युनिटी के यहाँ पर लोग आते हैं। और बहुत अच्छा लगता है अंदर जा कर के, और अंदर से काफ़ी मैंने आपको बहुत कुछ ग्रीनरी दिखाने की कोशिश करी है बहुत, और बहुत अच्छा मेरे को फील हुआ यहाँ पर। अगर आप एक बार मतलब विज़िट ज़रूर कर लेना यहाँ पर अगर जो आप आते हो भाई लोटस टेम्पल में दिल्ली में, अगर आप घूमने का शौकीन हो तो भाई एक बार आप विज़िट कर लेना। और यहाँ पर ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अगर आप आना चाहते हो तो अगर आप दिल्ली में आए हो तो भाई लोटस टेम्पल विज़िट कर लेना। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप कहाँ का व्लॉग देखना चाहते हो मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू।